अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर 10, कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स के अंदर वो फ्लो जो विद कंडीशन चलता है, कंडीशन को देखते हुए फ्लो ट्रांसफर हो जाता है फ्लो चार्ट्स के अंदर। अब उसको मैं स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर। इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स वी स्टडी दैट अ फ्लो बिटवीन स्टेप्स कैन डिपेंड अपॉन अ सर्टेन कंडीशन। अब हमने फ्लो चार्ट्स के अंदर ये पढ़ना है कि जो स्टेप्स होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, उनका फ्लो चल सकता है किसी न किसी सर्टन कंडीशन के ऊपर। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो डिफरेंट होगा उससे जब कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो चार्ट का फ्लो डिफरेंट चलेगा जब कंडीशन होगी उसके बनिस्बत। अ कंडीशन इज ऑलवेज इवेल्युएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स। एक कंडीशन को हम हमेशा ट्रू या फॉल्स के तौर पर लें, या तो कंडीशन ट्रू हो गई या तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये फ्लो चार्ट हमने बनाना है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ओड और इवन। हमने ये जानना है कि जो नंबर है वो ओड है या इवन नंबर। जो ओड नंबर होता है इसके मुतालिक आप जानते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह 2 के डिफरेंस के साथ चलते जाएंगे, हमारे पास ओड नंबर्स आते जाएंगे। और इवन नंबर्स ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 2, 4, 8, 10 2 के डिफरेंस से चलते जाएंगे, हमें इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। अब हमने ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है कि हम फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी नंबर एंटर करें वो हमें बता दे आपने ये नंबर इवन एंटर किया है या ओड एंटर किया। ये फ्लो चार्ट इसके लिए ड्रॉ होगा। तो ये आप देखें, सबसे पहले ये स्टार्ट है, आप जानते हैं ये ओवल शेप है, टर्मिनल इसका नाम है। और जब भी हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट लिखते हैं सबसे पहले ओवल के सिंबल के अंदर, उसके बाद फ्लो लाइन के साथ, इसके साथ ये बेकपुट हमने इस्तेमाल कर लिया इनपुट, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं सिंबल को। इनपुट नंबर एन, यानी कि हमने कोई नंबर एन लिया है उसकी इनपुट लेनी है। उसके बाद ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, रैम इज इक्वल टू एन मोड 2। अब इसके अंदर देखिए ज़रा, ये रैम का मुराद, रैम से मुराद है रिमाइंडर, जो चीज़ बकाया बच जाती है उसे रिमाइंडर कहते हैं। और मोड, मोड क्या करता है, मोड एक फंक्शन का नाम है जिसका काम ही रिमाइंडर देना, यानी कि एन जो नंबर आएगा उसका रिमाइंडर हमें देना, ये इस मोड का काम है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी ड्रॉ की हुई है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक डिवीजन का सिंबल मैंने इस्तेमाल किया। अब ये रिमाइंडर का काम ही यही है कि जो नंबर आप इसे देंगे ना उसके ऊपर ये डिवीजन का सिंबल इस्तेमाल करेगा था। अब आप देखें क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर n मोड 2, यानी कि 2 के ऊपर इसे डिवाइड करना। तो यहाँ पर देखें 2 पे ही डिवाइड हुआ, 10 नंबर था इवन था, ये 2 इसे मैंने दिया, 2 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 10 आ गया। 10 को 10 में से मैंने माइनस किया तो पीछे मेरे पास 0 बच गया, 0 मेरे पास किया रिमाइंडर। तो ये इस मोड फंक्शन का नाम है, जो आप इसे नंबर देंगे ये इसको 2 पे डिवाइड करेगा और जो बकाया पीछे बच जाएगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा, यानी कि जो हमारे पास आफ्टर सब्ट्रैक्शन बचेगा, सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो इसके लिए आपने एक और चीज़ याद करनी है, जब भी हमारे पास नंबर 1 होगा ना तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा अगर उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये भी चीज़ लाजमी आपने याद रखनी। और सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे एक और नंबर लिया 9, इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया। अब आप देखिए तो कंडीशन हमारे पास है कि हमेशा हमने 2 पे ही डिवाइड करना है, n मोड 2 हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। इसको भी 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2, 4, 8, 9 - 8 = 1, 1 के हमारे पास रिमाइंडर, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा अपने नंबर में से जब उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास पीछे आंसर बच जाएगा वो हम क्या करेंगे, उसे हम रिमाइंडर कहेंगे। तो आपने इतनी बात बस इसके लिए याद कर लेनी है कि जो हमारे पास इवन नंबर होता है उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, और जो ओड नंबर होता है उसका रिमाइंडर हमारे पास हमेशा 1 ही होता है। बेशक आप 2 पे 13 को डिवाइड करके देख लें तो 2, 6, 12 आएगा, 1 बच जाएगा, तो वो एक ओड नंबर कहलाएगा। इस तरह आप 16 ले लें, 2, 8, 16 पीछे कुछ भी नहीं बचा, पीछे रिमाइंडर क्या है 0, तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये फॉर्मूला लगा, रैम किसको शो करे, रिमाइंडर को, मोड फंक्शन का नाम है जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह पे क्या ले लिया, यहाँ पर यहाँ मैंने 10 ले लेता हूँ, तो ये 10 मोड 2 इक्वल्स टू 0 आएगा क्योंकि 2, 5, 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसके ऊपर, तो रैम क्या आ जाएगा 0, रैम इज़ 0। क्या रैम 0 है, यस रैम 0 है। अब रैम 0 है तो ये प्रिंट एन इज़ इवन, तो ये क्या प्रिंट कर देगा कि जो एन है ये क्या है, ये इवन नंबर है, और यहाँ प्रोग्राम आकर एंड हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने 9 दिया, अब 9 मोड 2 = 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2, 4, 8, 1, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा
4 द 8 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, मेरे पास रिमाइंडर क्या आया 1 आया, तो सिमिलरली यहाँ पर रैम इज 0, रैम 0 है नहीं, रैम तो 1 है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 आएगा तो फ्लो यहाँ से आएगा, प्रिंट एम इज ओड, हमने ये प्रिंट क्या कर देगा यहाँ पर कि एन ओड है, और यहाँ पर करिए एंड ओड, ये इस फ्लो चार्ट की वर्किंग थी। अब इसको करते हैं, इन द अबव फ्लो चार्ट आफ्टर द स्टार्ट स्टेप अ न्यूमेरिक वैल्यू इज टेकन फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद नेम एन। जैसे ही फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है, तो फ्लो चार्ट स्टार्ट होते ही हम एक न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करता है यूजर एक न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करता है 0, 1, 2, 9, 15, 98, 16, 15, अपनी मर्जी कोई भी, वो वैल्यू जाके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है एन के साथ, देन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2, फिर इस वैल्यू को हम 2 पे डिवाइड करते हैं एंड रिमाइंडर इज स्टोर्ड इन मेमोरी विद नेम रैम, और जो उसका रिमाइंडर होता है वो स्टोर जाता है मेमोरी के अंदर रैम नेम के साथ, ठीक है। टू कैलकुलेट द रिमाइंडर मोड फंक्शन इज अप्लाइड, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई करते हैं, मोड फंक्शन हम अप्लाई करते हैं। वी परफॉर्म अ कंडीशनल ऑपरेशन टू चेक वेदर एन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 और नॉट, हम कंडीशनल ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि एन कम्प्लीटली 2 पर डिवाइड होता है या नहीं, अगर कम्प्लीटली 2 पर डिवाइड हो जाएगा तो फ्लो डिफरेंट होगा, अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो उसका फ्लो भी डिफरेंट हो जाएगा। दिस इज डन बाई कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ रैम विद 0, ये किस तरह मुकम्मल होगा, जब हम एंड पे रैम की वैल्यू को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कंपेयर किया इसके अंदर डिसीजन सिंबल के अंदर। This is done by comparing, ये हो गया, if RAM is 0, the conditional operation gives a true value. अगर RAM 0 होता है तो conditional operation हमें क्या answer देगा, true का देगा। It means that n is even, इससे मुराद होगा कि n even है, because it is completely divisible by 2, क्योंकि ये completely 2 पे divide हो चुका है। On the other hand, if RAM is not 0, इसके दूसरे तरफ अगर RAM 0 नहीं होता, the conditional operation gives a false value, फिर conditional operation false value देगा, means that n is odd, इससे मुराद क्या होगा, n क्या होगा, odd होगा। ये सारी इसकी जो मैंने आपको इसका काम इसकी वर्किंग चला के दिखाई है, ये सारी वर्किंग उसे नीचे लिखी हुई है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको अच्छे तरीके से समझ। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, हमने 3 नंबर्स ले लिए हैं और तीनों के तीनों का कौन अनइक्वल हो, यानी कि 3 नंबर्स में से कोई मैचिंग ना हो, जैसे कि ये 3 नंबर्स है 1, 2, 3, ये डिफरेंट भी हैं और अनइक्वल भी हैं, मुख्तलिफ हैं, अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, तो इस तरह के 3 नंबर्स आएंगे और उनके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, लार्जर फाइंड करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसके अंदर हम वो फाइंड करेंगे, हमने ऐसा फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ करना। सबसे पहले स्टार्ट ओवल सिंबल के साथ इनपुट ले लिए एन 0, एन 1, एन 2, यानी कि 3 नंबर्स लिए हैं एन 0, एन 1 और एन 2। इधर मैंने एक वेरिएबल मुतारिफ कराया लार्ज का, लार्ज एक वेरिएबल है जिसको मैंने एन 0 के इक्वल कर दिया, यानी कि एन 0 के अंदर जो भी जाएगा वो ऑटोमेटिकली लार्ज के अंदर चला जाएगा। अब ये देखें डिसीजन सिंपल आ गया, एन 1 ग्रेटर देन लार्ज, जो एन 1 है ये किससे बड़ा है, लार्ज से, तो एन 1 मेरे पास क्या मौजूद है 2, और लार्ज के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है 1, क्योंकि एन 0 के अंदर 1 था तो उसको मैंने किसके अंदर डाल दिया था, लार्ज के अंदर डाल दिया था, तो एन 1 ग्रेटर देन लार्ज, 2 ग्रेटर देन 1, ये ट्रू है या फॉल्स है, 2 एक से बड़ा ही है यानी कि ये ट्रू है, तो ये यस की तरफ मूव करेगा, ओ वाले को स्किप कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब लार्ज किसके इक्वल हो चुका है, एन 1 के इक्वल मैंने कर दिया, लार्ज को पहले मैंने एन 0 के इक्वल किया था, अब मैंने लार्ज को यहाँ पर एन 1 के इक्वल कर, अब वो एन 0 को छोड़कर एन 1 में जा चुका है, और एन 1 के अंदर मेरे पास क्या मौजूद था 2, तो लार्ज किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से फ्लो यहाँ पे आएगा, एन 2 मेरे पास क्या है, एन 2 में मैंने क्या लिया था 3 लिया था, अब 3 को एन 2 ग्रेटर देन लार्ज, उसने ये कंडीशन यहाँ पर यूज़ की है 3 ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है, ये बिल्कुल बड़ा है, तो यस पर मूव करेगा और नो को छोड़ देगा, यस को मूव करेगा तो लार्ज किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये आते प्रिंट कर देगा, यहाँ से ऐसे मूव करेगा 3 को प्रिंट करेगा और यहाँ पर आके प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ये इसकी वर्किंग थी। ये अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये आपके लिए इतना आसान होने वाला है, इतना ज़्यादा आसान होने वाला है कि आप अपने जेन से फ्लो चार्ट भी बनाया करेंगे, वो चार्ट इससे मुख्तलिफ भी होगा और बिल्कुल एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि फ्लो चार्ट सिर्फ एक ही टाइप का नहीं बनता, ये सिर्फ इस तरह नहीं बन सकता, इसके बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, जो अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा, तो अभी बिल्कुल शुरुआत है, तो इसलिए हम बाय बुक ही चल रहे हैं, इंशाल्लाह जब हम इसकी रिवीजन करेंगे स्कूल के अंदर कहीं पे भी, फिर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। फिलहाल अभी आपने इसको समझना लाजमी है, जो कि मैंने आपको इसकी पूरी वर्किंग समझाई है, ये वर्किंग आपको फिलहाल लाजमी समझ आनी चाहिए। उसने पता ये किया, इसके बिल्कुल नीचे इसी फ्लो चार्ट को ना मुख्तलिफ तरीके से बनाया, जो कि मैं आपको बता रहा था, ये देखें
फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज अनदर सॉल्यूशन टू फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू अमंग थ्री नंबर्स ए बी एंड सी. हमारे पास तीन नंबर्स हैं ए बी सी, वहाँ पर एन जीरो एन वन एन टू था, यहाँ पर ए बी सी है. सिर्फ वेरिएबल्स का नेम डिफरेंट हुआ है, चीज़ सारी वही है. वो कहते हैं अब वो इस तीन नंबर्स के अंदर क्या फाइंड करेगा, मैक्सिमम फाइंड करेगा. मैक्सिमम से मुराद जो सबसे बड़ा होगा उसको फाइंड करेगा तीन नंबर्स के अंदर. सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद इनपुट ले ए बी सी की, उसके बाद फ्लो देखे ना, फ्लो ये मूव करा है यहाँ से यहाँ पे. अब इसके ऊपर फ्लो आ चुका हुआ है. अब ये वहाँ पर मैंने पहले वन टू थ्री लिया था, कोई याद हो तो वन टू थ्री, यहाँ पर मैंने टू वन थ्री ले लिया ताकि वैल्यूज थोड़े से डिफरेंट हों और मुख्तलिफ तरीके से फ्लो चले और ज़्यादा अच्छी आपको इसकी वर्किंग समझ आ रही है. यहाँ से फ्लो शुरू हुआ स्टार्ट से, इनपुट ए बी सी पर आ गया. अब यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर आ गया. अब टू ग्रेटर देन वन, टू वन से भरा है, ये ट्रू होगी वैल्यू. अब जब वैल्यू ट्रू होती है तो यस की तरफ मूव करता है और फाल्स को स्किप कर देता है. ये तो नो को छोड़ेगा, यस की तरफ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा. अब फिर मैं पहले ए ग्रेटर देन बी इस्तेमाल किया था, अब ए ग्रेटर देन सी इस्तेमाल करूँगा. टू ग्रेटर देन सी थ्री से, नो ये फॉल्स है, तो ये यस को स्किप कर देगा और इस तरफ आकर आ जाएगा, नीचे की नो की तरफ आ जाएगा. तो आउटपुट किसकी आ जाएगी, सी की. कहता आउटपुट ले लो सी की, तो सी सी में क्या था, थ्री था, ये थ्री यहाँ पर आ गया, तो थ्री कि ये लार्जेस्ट नंबर हो गया यहाँ पे. यहाँ से ही वो आगे क्या हो गया, एंड हो गया. ये इसकी प्रॉपर एक वर्किंग थी. आपने क्या करना, ये टू वन थ्री है, मुख्तलिफ वैल्यूज लेनी है. कभी ए को ग्रेटर कर देना, बी सी को छोटा कर देना, कभी बी को ग्रेटर कर देना, ए सी को छोटा कर देना, कभी सी को ग्रेटर कर देना और ए बी को छोटा कर देना. ये इसकी थी. अगर आपको ये वर्किंग जो मैंने समझाई है समझ आ गई तो अच्छी बात है, आपने इसको मुख्तलिफ वैल्यूज दे के ट्राई भी करना. और अगर मुख्तलिफ वैल्यूज इसको देने से आपको बात समझ तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आती तो आपने मुझे फौरन व्हाट्सएप पे इतला देनी है, मैं दोबारा एक वीडियो बना के इन दोनों फ्लो चार्ट्स को मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ आपको चला के दिखा वर्किंग इनकी मैं आपको दिखा दूँगा जी. नेक्स्ट पैराग्राफ, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स. टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स की बेस के ऊपर, बुनियाद के ऊपर एक सब्जेक्ट को मैंने ग्रेड देना, ठीक है. स्टार्ट देखें, इनपुट ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स. सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद इनपुट लिया मैंने ऑब्टेन्ड मार्क्स की और टोटल मार्क्स की, ठीक है. और परसेंटेज मैंने लिया है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. होता ये है, परसेंट का फॉर्मूला ये होता है, परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी सब्जेक्ट की जो टोटल मार्क्स होते हैं वो नीचे रखे जाते हैं, ठीक है, यानी कि डिवीजन के साइन के नीचे रखे जाते हैं, और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं ये डिवीजन साइन के ऊपर रखे जाते हैं. उनको मल्टीप्लाई किया जाता है 100% के साथ. यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, उसे सिर्फ 100 लिखा हुआ है, परसेंट नहीं लिखा हुआ. ये 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये 100% के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ पर आप परसेंट भी लिख लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिया 15, टोटल मार्क्स लिया 20. जैसे कि मिसाल के तौर पे कि एक सब्जेक्ट के मैंने पेपर दिए हैं उसके मार्क्स थे 20 और उनमें से मैंने 15 नंबर लिए. इसका मैं आपको एक फॉर्मूला भी दिखाता हूँ, ऐसे ये देखें, यानी 20 मार्क्स टोटल ऊपर डिवीजन के ऊपर क्या आ गए, ऑब्टेन्ड मार्क्स 15. उसको मैंने मल्टीप्लाई कैसे कर दी, 100% के साथ. 15 को 20 पर डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75% आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है. तो ये 75% आ गए. अब इसको मैं यहाँ पे चलाता हूँ, 15 को डिवाइड किया 20 पे, 100 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 75% आ गए. अब देखें वो यहाँ से फ्लो यहाँ पे आएगा, डिसीजन सिंबल के ऊपर आएगा, 75 greater than 80. क्या 75 80 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, 75 तो 80 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई. तो यस के बजाय ये किसकी तरफ मूव करेगा, नो की तरफ मूव करेगा. अब आप इसको देखें, 75 greater than 70, क्या 75 70 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये नो को स्किप कर देगा और यस की तरफ आ जाएगा. अब यहाँ पे आ जाएगा ये ग्रेड ए, इसकी तरफ आएगा, ये ग्रेड ए को प्रिंट करेगा और उसके बाद ये यहाँ से बिल्कुल सीधा आगे इस फ्लो लाइन पे आ जाएगा और इस फ्लो लाइन से प्रिंट हो जाएगा ग्रेड. तो ग्रेड मेरे पास यहाँ पे क्या था, ए ग्रेड, तो ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा और मेरे पास ये एंड हो जाएगा. इस तरह आपने मुख्तलिफ परसेंटेज की वैल्यूज़ देनी है, कभी 20 को आपने 10 पे डिवाइड कर लेना है, कभी आपने 13 पे डिवाइड कर लेना है, कभी 7 पे डिवाइड कर लेना है, कभी आपने 11 पे डिवाइड कर लेना है, कभी 2, 3, 4, मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के आपने इस फ्लो चार्ट की वर्किंग चलानी है. और सेम पिछले फ्लो चार्ट वाली बात करूँगा, अगर आपको वर्किंग समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई आपने मुझे अगेन टेक्स्ट बैक करना है, मैं आपको ये दोबारा समझा दूँगा. नेक्स्ट देखते हैं जी, ये सबसे आसान है, टू डिटरमाइन नेम ऑफ अ वीक डे फ्रॉम अ गिवन नंबर वेयर वीक डेज आर अज्यूम फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7. यानी कि हमारे पास 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर, मंडे टू संडे, तो मंडे का नंबर 1 होगा, ट्यूसडे का 2 होगा, वेडनेसडे का 3 होगा, ट्यूसडे का 4 होगा,
फ्राइडे का 5 होगा, सैटरडे का 6 होगा और संडे का 7 होगा। मैं कोई भी नंबर एंटर करूंगा और उसके बनिस्बत कोई ना मुझे उसका डे पता चल जाएगा, ये नंबर डे। आपने नंबर ऐड करना, एक नंबर के इनपुट देनी है डे, 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 7 तक आप कोई भी इनपुट देंगे इसको। अगर आप 1 करेंगे, अगर आप यहाँ पर रहते हैं 1 की, तो यहाँ पर ये 1 इज़ 1, ये ट्रू हो जाएगा, तो यस पे आके प्रिंट करेगा मंडे को और यहाँ पे आके ये एंड हो जाएगा। अगर आप 5 करते हैं तो 1 पे आके करेगा 1 इज़ 1, फॉल्स नो पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 अगर आपने एंटर किया तो 5 इज़ 1 नो, फिर इधर आ जाएगा 5 इज़ 2 नहीं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 इज़ 3 नो, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 इज़ 4 नहीं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 इज़ 5, ये ट्रू हो जाएगा। अब यस पे आएगा, प्रिंट करेगा फ्राइडे और यहाँ से ये फ्लो लाइन बिल्कुल इसके यहाँ पे आके यहाँ पे आएगी और यहाँ पे ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये इसकी वर्किंग है, ये सबसे आसान था, ये हमारा काम था। इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना और मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ इसकी बार बार वर्किंग चलानी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने बनाना है, खुद ड्रॉ करना है अपने आप के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।